प्रदेश की और राजधानी लखनऊ की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हंगामा टाइम्स न्यूज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए डालते हैं राजधानी लखनऊ की बड़ी खबरों पर एक नजर। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त हम लोग खड़े हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी में डीआरएम कार्यालय में, जहां डीआरएम को यानी रेलवे मजदूर यूनियन के अजय कुमार मंडल मंत्री द्वारा किया गया है सम्मानित, और जानेंगे उनसे कि क्या कहेंगे आज का विशेष कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। बताएं सर, प्रथम तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने अपना कुछ समय दिया, और निश्चित रूप से आज हमारे बीच हमने नॉर्दर्न रेलवे के जो डीआरएम श्री सप्रा साहब हुए हैं वो हमारे डीआरएम एनईआर में भी रहे, तो औद्योगिक संबंध हम लोगों के बहुत अच्छे रहे। उस कड़ी में हम लोगों ने ये समझा, उचित समझा कि आज उनका यहाँ पर इनके ऑफिस में आके सम्मान किया जाए, और उन्होंने काफ़ी अच्छा समय दिया और हम लोगों को पहचान के रूप में बताया कि मेरे पुराने साथी ये लोग हैं एनी रेलवे के। तो निश्चित रूप से ऐसे अच्छे अधिकारी भविष्य में अच्छे जगह और जाएं, इनकी और भी प्रमोशन हो, ये हम पूरे एनी रेलवे मजदूर लखनऊ मंडल शुभकामना देता है। और ऐसे ही अधिकारी की ज़रूरत है अब रेल में। कम से कम मेरा उनसे संबंध एनईआर का था, लेकिन एनआर में भी जब वो डीआरएम आए हैं बनके, हमने उनको सम्मानित करने का काम किया और उन्होंने हमको पहचान देने का काम किया कि ये मेरे पुराने मित्र लोग रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है उनको। जी अजय जी, ये बताएं कि आपका जो प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर आया हुआ था मुलाकात करने, उन्हें सम्मानित करने, कितना प्रतिनिधि मंडल आपके साथ में थे, कितने लोग मौजूद में? हमारे पास करीब 20-25 लोग आए हैं, चूँकि एनईआर से आना था। अगर एनईआर की बात होती तो हमारे पास अच्छी खासी संख्या में लोग होते, और चूँकि शाम का वक्त है इस समय लोग घर भी बहुत से सारे लोग चले गए, लेकिन जितने लोग हमारे पास थे वो सब हमारे बिल्कुल कर्मवीर लोग हैं, योद्धा लोग हैं, और एनी रेलवे को मजबूत बनाने वाले लोग हैं, वो हमारे बीच रहे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में अजय कुमार मंडल मंत्री यानी रेलवे मजदूर यूनियन के, जिनसे हमने बात किया और जाना कि डीआरएम लखनऊ को जो इन्होंने सम्मानित किया है, उनको शॉल उड़ाकर और पुष्प का गुद देकर सारी चीज़ों के साथ अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ में ये पहुंचे हुए थे यहाँ पर। हमने बात किया उनसे, जाना कि आखिरकार मुख्य उद्देश्य क्या था। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स लखनऊ से, मैं अमित, सहयोगी मोहित के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ।